हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर द डेजर्ट एन एलियन हैंडबुक ग्रेड 7 सीबीएसई बोर्ड से। ये जो हमारा चैप्टर है द डेजर्ट, इसमें ये बताया गया है कि जो एक लोगों का मानना है कि रेगिस्तान एक ऐसी जगह होती है जहां हमेशा बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बारिश नहीं होती, कोई वेजिटेशन नहीं होता, शेल्टर नहीं होती, तो क्या वाकई में डेजर्ट ऐसा ही होता है या बहुत कुछ ऐसा है जो हम डेजर्ट के बारे में नहीं जानते। अपने चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि डेजर्ट में क्या खासियत होती है और डेजर्ट की भी क्या अच्छाइयां हैं। बहुत से लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां आसपास घना जंगल होता है, पहाड़ियां होती हैं, बहुत ही खूबसूरत नेचर होता है। उन लोगों के लिए ये सोचना बहुत मुश्किल है, इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि डेजर्ट एक्चुअल में दिखता कैसे है। लोगों की जो धारणा रही है वो यही रही है कि अगर रेगिस्तान की बात करें तो दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ आपको रेत दिखाई देगी। एक ऐसा इलाका ना तो जहां बारिश होती है और ना जहां कोई पेड़ पौधे उगते हैं। बहुत ही सूखा इलाका है, गर्मी भरा है, बिना पानी का और बिना छाया का। लेकिन ये बात पूरी तौर पे सच नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने रेगिस्तान के बारे में पढ़ाई करी है वो जानते हैं कि रेगिस्तान भी एक खूबसूरत जगह है। वहां पर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, और ऐसे लोग हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, जिन्होंने इतनी गर्म, इतने सूखे हालात में भी अपने आप को उस मौसम में रहना सीख लिया है। यानी कि भले ही वहां का टेम्परेचर कैसा हो, कंडीशंस कितनी टफ हो, तब भी चाहे जानवर हो, पेड़ पौधे हो या इंसान हो, वो भी रेगिस्तान में रहते हैं। कैसे वो आगे जानते हैं। ये जो रेगिस्तान होता है, इसका जो मैदान है या कहना चाहिए जो जमीन होती है, वो हमेशा समतल नहीं होती। साथ ही साथ यहाँ हमेशा ऐसा नहीं है कि हरी हरी घास से पूरी रेत ढकी हुई होगी, पेड़ होंगे, पौधे होंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब बारिश होती है, जो कि बहुत कम देखने को मिलती है, यहाँ पर रेगिस्तान के जो पेड़ होते हैं उनमें जो फूल आते हैं वो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल मानो ऐसा ही लगता है कि जैसे आप कोई एक बगीचा देख रहे हो जो फूलों से लदा हुआ हो, हरियाली हो, ऐसे ही जब आप रेगिस्तान में फूलों को देखते हैं तो एक अलग सी खुशी महसूस होती है। रेगिस्तान के अंदर खाली और खाली रेत ही रेत नहीं है, बल्कि वहां पर पहाड़ियां भी हैं, माउंटेन्स भी हैं। उसमें एक ओएसिस होता है। ओएसिस बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी। अब ओएसिस होता क्या है? ओएसिस जो है एक आइलैंड होता है, एक द्वीप होता है जो इसमें हरियाली होती है, और वो ज्यादातर डेजर्ट के बीचों बीच होता है, जहां पर आपको एक झरना मिल जाएगा या वेल मिल जाएगा, जिसकी मदद से जो उसके आसपास के पेड़ पौधे हैं वो अच्छे तौर पे उग पाते हैं। अब डेजर्ट जो है गर्म होता है, तो इतना गर्म हो सकता है जैसे कि थार डेजर्ट है, और इतना ठंडा भी हो सकता है जैसे कि लद्दाख का है। लेकिन जो लोग अक्सर बातें करते हैं उसमें यही कहते हैं कि अगर किसी इलाके में बहुत कम या ना के बराबर पानी है, हरियाली है, तो समझ लो कि वो इलाका डेजर्ट या रेगिस्तान कहलाता है। कुछ डेजर्ट ऐसे हैं जो पूरी तरह से बिना पानी के हैं। ऐसे में क्या होता है, जब वहां तेज हवा चलती है तो जो रेत होती है उसका एक तरह से पहाड़ बन जाता है, और छोटे छोटे, अगर आपने कभी देखा हो, गेहूं होता है, गेहूं का एक पाइल बना दो तो एक ढेर लग जाता है। सेम उसी तरीके से अगर हवा चलती है तो वो जो रेत है उसे इस तरह से बहा लेती है कि वहां पर छोटे छोटे पहाड़ या ढेर बन जाती है रेत की। इनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं, और ये पूरे रेगिस्तान में इधर उधर घूमते शिफ्ट होते रहते हैं। बहुत कम ऐसे पेड़ पौधे हैं जो इस तरीके की सूखी और जो मूव होने वाली रेत है इस पे सर्वाइव कर पाते हैं, यानी कि रह पाते हैं। अब हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जिनमें जान होती है, उनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपनी जिंदगी को चलाने के लिए। पर
कुछ पेड़ पौधे जानवर ऐसे हैं रेगिस्तान के अंदर जिन्होंने अपने आप में एक काबिलियत डेवलप कर ली है कि उन्हें कम पानी की जरूरत पड़ती है। खास तौर से कैमल यानी जो ऊंट होता है उसे हम कहते हैं शेप ऑफ द डेजर्ट, और वो एक बार में बहुत सारा पानी पी लेता है। उसके बाद जब वो एक बार अपना पानी पी के अपने आप को फुलफिल कर लेता है तब वो बिना पानी के बहुत दिनों तक रह सकता है। उसकी वजह ये है उसको पसीना बहुत कम आता है। हम लोगों को क्या होता है, पसीना आता है, जिससे क्या होता है हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एक कॉन्स्टेंट लेवल पे रहता है, समान लेवल पे। अगर बहुत गर्म होता है तो हम पसीना आता है जिससे हमारी जो बॉडी है उसको ठंडक मिलती है। यही ऊंट क्या है वो बहुत तेज तापमान जो होता है बॉडी का उसको भी बेयर कर लेते हैं, उनको पसीना नहीं आता, और जिस वजह से जो पानी है जो उन्होंने पिया होता है वो काफी लंबे समय तक रोक पाते हैं उसे। जो छोटे छोटे डेजर्ट के एनिमल्स होते हैं वो पानी नहीं पीते, वो क्या करते हैं गड्ढे खोद लेते हैं, और इतने गहरे गड्ढे खोल देते हैं कि जब दिन में बहुत गर्म होता है तो वो उसके अंदर चले जाते हैं और रात के टाइम बाहर निकलते हैं खाने के लिए। इसमें से कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है जो उनके मीट का मॉइस्चर होता है उससे उनकी पानी की कमी पूरी हो जाती है। कुछ पेड़ पौधे खाते हैं या बीज खाते हैं जिससे उनको जो पेड़ों का जो जूस होता है उससे पानी मिल जाता है जितनी उनकी जरूरत है। अब ये जो डेजर्ट के पेड़ पौधे होते हैं ये भी अपने आप को पूरी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो भी एक तरह से रेगिस्तान में ही उगते हैं। खास तौर से अगर डेजर्ट प्लांट्स की बात करें तो कैक्टस आता है। कैक्टस के जो पेड़ होते हैं वो अपनी ये जो मोटी मोटी स्टेम्स होती हैं उसमें पानी को स्टोर कर लेते हैं। उनकी जो जड़ें होती हैं वो बिल्कुल ग्राउंड की सरफेस पे ही होती हैं, ज्यादा गहरी नीचे नहीं होती। इस वजह से क्या होता है अगर हल्की सी भी बारिश होती है जो बहुत कम होती है वो उससे फौरन मॉइस्चर जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सबसे बड़ी जो खासियत होती है डेजर्ट्स की वो यही है कि वो बहुत सूखे इलाके होते हैं और वहाँ टेम्परेचर जो है वो बदलता रहता है। जब मौसम में नमी होती है तो क्या होता है कि ये जो हवा के अंदर इतना मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वो एक तरह से ब्लैंकेट का काम करती है, कंबल का काम करती है, और अर्थ की सतह को सन की जो गर्म किरणें होती हैं उनसे बचाती है। लेकिन डेजर्ट के जो इलाके होते हैं वहां पर ये मॉइस्चर नहीं होता, यानी हवा में नमी नहीं होती, जिसकी वजह से जो डेजर्ट है वो बहुत जल्दी दिन में गर्म हो जाता है और रात में उतनी ही जल्दी ठंडा हो जाता है। डेजर्ट यानी जो रेगिस्तान है ये भी जो हमारी प्रकृति है उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम कहते हैं घने जंगल हैं, बहुत गहरे गहरे महासागर होते हैं, उसी तरह से डेजर्ट भी होते हैं। पर क्योंकि ये गर्म होते हैं, सूखे होते हैं, तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारी जो धरती है उसका एक बेकार हिस्सा है। ऐसा नहीं है, अगर हमारे लिए हरियाली महत्वपूर्ण है तो डेजर्ट भी कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये चैप्टर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन। बाय।